हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्षीज फूड चैट। मैं हूं हर्षिका और आज मैं लेकर आई हूं सूजी की टू लेयर बर्फी बनाने की रेसिपी। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की बर्फी। इसको बनाना आसान है तो चलिए शुरू करते हैं। सूजी की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप सूजी और सूजी को हम यहाँ पे दूध में भिगो रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग आपको 1 गिलास दूध लगेगा। तो ये दूध रूम टेम्परेचर पे है, एक बार उबला हुआ दूध है। तो चलिए सूजी को 10 मिनट रख देते हैं फूलने के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, जैसे मैंने बादाम लिया है, काजू लिया है और पिस्ता लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो लें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैंने पैन चढ़ा लिया है और थोड़ा सा घी डाल करके, घी मेल्ट जब हो गया है तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लिया है। मुश्किल से 1 मिनट लगेंगे इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट होने में। जब इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए तो इसको अलग कर लेंगे। अब इसी पैन में मैं ऐड कर रही हूँ सूजी जो हमने भिगा कर रखी हुई थी। तो ये देखिए, हमारी सूजी 10 मिनट बाद अच्छे से फूल भी गई है। तो चलिए सूजी को भी थोड़ी देर हम चला लेते हैं और इसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो सूजी को तब तक यहाँ पे पकाना है जब तक कि दूध पूरी तरह से सूख ना जाए और सूजी भी अच्छे से फ्लफी ना हो जाए। तो देखिए सूजी हमारी पक गई है, ये देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा घी मैं और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सूजी बिल्कुल भी भुनी हुई नहीं थी, हमने इसे कच्ची सूजी ले ली थी। तो जब तक सूजी को घी में हम भुनेंगे नहीं तो उसका अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर घी डाल करके इसे बार बार, लगभग 2 से 3 बार आपको 1-1 चम्मच घी ऐड करना है और इसको अच्छे से भून लेना। तो देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का सूजी का पेस्ट हो गया है, सारी सूजी अच्छे से भून गई है। तो मैंने यहाँ पे चीनी का बुरादा लिया है और इसको अच्छे से मिलाते हुए ऐड कर लेते हैं। और यहीं पे आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो। चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। थोड़ी देर बाद जब चीनी पिघल जाएगी तो हमारा जो पेस्ट है वो ऐसे बन जाएगा। तो इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ नारियल का बुरादा, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन नारियल का बुरादा अगर आप इसमें डालेंगे तो ये इसका टेस्ट बढ़ा देगा। तो देखिए सूजी की बर्फी जमाने के लिए मैंने यहाँ पे सारे पेस्ट को निकाल लिया है। थोड़ी देर ठंडा हो जाने पर मैंने क्या किया है कि सूजी के आधे पोर्शन को अलग कर लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर। इसे अच्छे से मसलते हुए ऐड करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पाउडर फूड कलर लिया है तो इसे मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा अच्छे से मसलते हुए ऐड कर लेंगे। तो देखिए फूड कलर ने भी अच्छे से कलर अपना छोड़ दिया है और बहुत ही सुंदर कलर आया है। तो चलिए अब इसे साइड में कर लेते हैं। अब बर्फी को जमाने के लिए मैंने एक थाली ली है, थाली को घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा डस्ट कर रही हूँ। अब जो आधा पोर्शन हमने बचा कर रख लिया था सूजी का, वो यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए हमारी फर्स्ट लेयर बन गई है। तो चलिए दूसरी लेयर को भी अच्छे से पेस्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जब मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया था और उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तो हमारा जो सूजी का पेस्ट है वो काफ़ी ड्राई हो गया था। तो मैंने उसे पैन में चढ़ा करके थोड़ा सा घी ऐड करके उसे 2-3 बार अच्छे से चला लिया है, तो फिर से सॉफ्ट हो गया है। तो इससे क्या हुआ कि लेयर पेस्ट करने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। और लेयर पेस्ट करने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए 10 मिनट के बाद हम इसे बर्फी का शेप देंगे। तो सबसे पहले इसे किनारे से हम काटना स्टार्ट करेंगे और फिर इसको बर्फी का शेप देंगे। तो देखिए चाकू की सहायता से आप कुछ इस तरह से इसको काट लें और 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से सेट भी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि किचन के सामानों से सूजी, दूध, नारियल का बुरादा, चीनी, इन सब का यूज करके मैंने बहुत ही ज़्यादा एक टेस्टी बर्फी तैयार की है। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी बर्फी की रेसिपी कैसी बनी है। अब इसको गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ बादाम। आप अपने हिसाब से चाहे तो यहाँ पे पिस्ता ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, या फिर नारियल का बुरादा ऊपर से डस्ट करके भी इसको गार्निश किया जा सकता है।
फ्रेंड्स, जाते जाते मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।